बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सो मच। जो कीर्तन होने वाला है थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, चंपारण से होने वाला है जहाँ से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया था, सर थोड़ा सा बताइए कि कैसे प्लानिंग की गई है और 18 और 19 तारीख को होने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो आपकी वो मीडिया टीम को नमस्कार, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और धर्म का प्रचार जो है बड़ी सौभाग्य की चीज़ है कि अब एक धर्म का प्रचार करने को हमको मिले। सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम है ये भगवत नाम संकीर्तन के नाम से है, जिसमें राम धुन जो होता है उसको प्रॉपर हम लोग अखंड अष्टजाम इसको बोलते हैं, जो 24 आवर्स का होता है, 48 आवर्स का होता है, इसलिए क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसको 24 आवर का कर रहे हैं। और ये इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है, मेरी पूरी टीम है, मेरे पूरे वॉलेंटियर्स लगे हुए हैं इसके पीछे, जो हमारा कंपनी है, कंपनी के थ्रू टोटल कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, हम लोग खुद कर रहे हैं इसको। और दूसरी चीज़ है कि इसमें जो प्रोग्राम आप बोल रहे हैं उसमें अखंड अष्टजाम है, श्रीसूक्त है, धर्म समागम है, संत समागम है, उसके बाद से भव्य जागरण का प्रोग्राम है, भंडारे का प्रोग्राम है, इसको बहुत विस्तृत रूप से हम लोगों ने डिज़ाइन किया और हम कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बहुत सारे मंदिर भी आप लोग और रेडी करने वाले, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं। हाँ, करेंगे ना, करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा मानना है कि जब से हमारा जो सनातन धर्म है उसका प्रचार प्रसार अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा यूथ जो है ना भटक गया है, और भटकने के पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि धर्म में बहुत ज़्यादा पाखंड आ गया है। अभी हमारा देखिए, हमारा इसमें उतरने का की कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं सनातनी हूँ और मैं चीज़ों को देख रहा हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। अगर हम मेरे एक मोटिवेशन से अगर आपके अंदर जागरूकता होती है, हमारे लोगों के अंदर जागरूकता होती है, तो हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और आगे चल के हम लोग मंदिर निर्माण भी करेंगे और एक प्रॉपर करेंगे इस चीज़ को। जब धर्म की बात होती है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, हो जाती है जी, तो उसको लेकर कितने तैयार हैं, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग अपोज भी करेंगे इस चीज़ को, बहुत लोग सपोर्ट करने भी आएंगे, तो आप कितने तैयार हैं इस चीज़ के लिए? जी, एक बड़ी अच्छी चीज़ बता दूँगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर हम किसी चीज़ का आरम्भ कर रहे हैं ना तो बातें बनती हैं और बातें बिगड़ती भी हैं। और जहाँ तक पोलिटिकल पार्टीज की बात है तो हमारा कोई ऐसा अभी उद्देश्य नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करें, उसका विरोध करें। हम आम नागरिक हैं, हमारा भारत प्रजातंत्र पे चलता है, और जितनी सुविधाएं सबको मिलती हैं उतनी हमको मिलती हैं, और हमारे धर्म का प्रचार करने का हमको अधिकार है और हम उसको अपने तरीके से बेहतर करेंगे। सर, इसके अलावा जो प्रोग्राम होने वाला है, कौन कौन लोग वहाँ पर कीर्तन करते हुए दिखाई देंगे? जी देखिए, इसमें तो सबसे पहले जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री ब्रजमोहन दास जी महाराज, जो कि दशरथ गद्दी अयोध्या के महंत हैं और हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमको समय दिया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और अभी के डेट में मुझे लग रहा है कि जो संत समागम होता है ना, इसमें व्यक्तिगत किसी संत की का उद्देश्य और किसी संत का नाम हम अंकित नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे ग्रंथ और हमारे धर्म से, धर्म के जितने प्रचारक हैं ना, जितने बड़े बड़े लोग हैं, हमने सबको इनविटेशन दिया है, जो आएंगे सबका स्वागत है। और आप इस मीडिया के माध्यम से जिसको जिसको मेरा इनविटेशन पहुंच रहा है, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप आइए, और जितना स्वागत हम उसको उसकी करेंगे कि जिसको हमने बुलाया, उतना ही स्वागत हम आपकी भी करेंगे। सर, इसके अलावा जो धर्म गुरु है, जो संत है जी, उनकी छवि बहुत जगह पे खराब की जा रही है, जैसे अगर आश्रम 3 की बात करें, जो अभी एक सीरीज आई है, 3 पार्ट आ चुके हैं, सर उस बारे में क्या कहना चाहिए? असल में बहुत ही बड़ा मीडियम होता है जो है लोगों तक पहुंचने का, तो सर क्या अभी क्या? आपके तीसरे क्वेश्चन का मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि ये जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म है, जो कि विलुप्त होते जा रहा है, इसका कारण क्या है? पाखंड, और पाखंड पराय संत, ये बहुत अच्छी लाइन है। वो पाखंड जब तक रहेगा, आपने जिस धर्म गुरु की बात की है ना, तो धर्म गुरु हम उसको नहीं मानते हैं कि जिसके अंदर अब नाम है, क्या बोलते हैं, मौनी बाबा, और सबसे ज़्यादा शोर उन्हीं के आश्रम से आता है, नाम रख लिए ब्रह्मचारी जी और 12 बच्चे बाजार में घूम रहे हैं, तो ये थोड़ा क्या बोलते हैं अपवाद हो जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि धर्म का काम करने जा रहा हूँ, तो पाखंड नहीं है। और जहाँ तक धर्म गुरु की अगर सच्चाई नहीं रहती तो दुनिया नहीं चलती, हमारा धर्म अभी है जो हमको लेके चल रहा है, और हमारा यूथ, मैं चाह रहा हूँ ना कि इसमें बढ़ चढ़ के जितना हिस्सा लेगा ना उतना ही बेहतर रहेगा। सर, अगर यूथ की बात करें और जो दूसरी जनरेशन से उनकी बात करें जी, तो उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पांस मिला है जब से आपने इस चीज़ की अनाउंसमेंट? देखिए, अनाउंसमेंट करने के बाद से यूथ पूरा प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है, और अभी के डेट में हमारे साथ ज़्यादातर यूथ ही जुड़ा है,
जो जिसको जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और देखिए, हमारी कोई राजनीतिक पार्टी किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। हम अपना काम कर रहे हैं और स्वेच्छा से कर रहे हैं, और जो धर्म का प्रचार है उसको हम पूरी स्वेच्छा से और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे हैं। और आज एक चंपारण नहीं, अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार और स्नेह बना रहे तो हम पूरे विश्व में इसको करेंगे और हर साल करेंगे। इन दिनों जो है सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है जी, हालांकि मीडिया के थ्रू आप उन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया बूम कर रहा है, तो उसको लेकर क्या यूथ को टारगेट करने की कुछ कोशिश करने वाले हैं कि कुछ प्रमोशंस वगैरह में लगे हुए हैं? हमारे वॉलंटियर्स, हमारी डिजिटल की टीम जो मास एंटरटेनमेंट करके कंपनी है विकी जी की, वो भी लगी हुई है। हम लोग पूरा प्रॉपर कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचे और लोग हम तक पहुँचे। और देखिए, जिसके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है उसका, मेरा फेसबुक पेज वगैरह सब कुछ इसमें आपको क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, मैं दूंगा स्पेशली। आप सब मुझे मैसेज करिए और सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि मैं आइए, आपका स्वागत है। जितनी इज्जत आपको देनी होगी उससे दोगुना देने की कोशिश करूँगा। सर, इसके बाद आगे क्या क्या होने वाला है? जब 18-19 मतलब सक्सेस हो जाएगा तो उसके बाद क्या क्या प्लान्स है आपके, अगर कुछ बताया ऑडियंस को? 18-19 सक्सेस होने के बाद प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, केवल 18-19 सक्सेस होने दीजिए, उसके बाद फिर एक बार हम लोग मिलेंगे और बेहतर अनाउंसमेंट करेंगे आपके थ्रू। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सबसे निवेदन है कि अगर ये सक्सेस हुआ और अच्छा हुआ तो हम हर साल करेंगे, और अच्छा होगा ही हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और हर साल करेंगे। ये मेरा आपके टीम से और पूरे पब्लिक से वादा है। थैंक यू सर, वेलकम।